फ्रेंड्स, देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू होने के लिए इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है तो वो है वैक्सीन। आपको बताना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर एक बहुत अच्छी खबर आ रही है और साथ ही साथ भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने वैक्सीन को लेकर क्या जानकारी दी है, ये हम आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और उनका पूरा इंटरव्यू भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने इस बात की जानकारी दे दी है कि भारत में वैक्सीन फ्री में मिलेगी और इसके लिए किसी भी नागरिक को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप खुद उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू की कुछ लाइनें भी सुन सकते हैं। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जाते फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में सर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में वैक्सीन पूरे तरीके से तैयार है और लोगों को वैक्सीन लगाने से पहले भारत सरकार ये निश्चित कर रही है कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और रखरखाव की क्या व्यवस्था है और हॉस्पिटल में किस तरीके से तैयारियाँ चल रही है। इसको लेकर एक बार पहले भी ड्राई रन किया जा चुका है और आज फिर से ड्राई रन किया जा रहा है जो कि देश के सभी राज्यों में हो रहा है। उसके आधार पर ही यहाँ पर एक पूरी SOP तैयार की जाएगी जिससे कि सभी आम लोगों तक वैक्सीन पहुँच जाए। एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि देश को पुराना बहुत लंबा समय का अनुभव है। बहुत बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम देश में चलाते हैं और जिसमें करोड़ों बच्चों को लगभग 1 दर्जन वैक्सीन्स दी जाती हैं। अभी पिछले समय में आप जानते हैं कि मीजल्स रूबेला का शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम यह हम लोगों ने चलाया। पोलियो जैसी बीमारी जिसके 60% बच्चे केवल भारत में होते थे, उसके लिए भी लाखों पोलियो केंद्र बनाकर और वैक्सीन को -20 डिग्री पर वैक्सीन कैरियर्स और सारी चीज़ों की मदद से उन सब सेंटर्स पर उपलब्ध कराकर, तो देश के पास जो वृहद अनुभव है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां की हैं।